हेलो एवरीवन, मैं हूं पंकज और स्वागत है आप सभी का इजी टैग विद पंकज के एक और नई वीडियो में। हेलो एवरीवन, मैं हूं पंकज और स्वागत है आप सभी का इजी टैग विद पंकज के एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप फ्लिपकार्ट से अपना पुराना मोबाइल एक्सचेंज करा के ना नया मोबाइल लेने की सोच रहे हैं तो उसमें क्या क्या प्रोसेस होता है, जो आपको मोबाइल चेक करना आएगा उसमें क्या क्या वो चेक करेगा, साथ ही आपके पास मोबाइल जो पुराना मोबाइल है उसका बॉक्स होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, साथ ही चार्जर है उसका आपके पास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, पूरी डिटेल से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, देखिए मेरे हाथ में एक फ़ोन आपको दिखाई देना पड़ेगा, यह है मोटोरोला का G14। इसको हमने एक्सचेंज ऑफर में मंगाया था, आप स्क्रीनशॉट में यहाँ पर देख सकते हैं। इसको हमने एक्सचेंज करा था MI के Redmi 9A से। अब इसकी एक्सचेंज वैल्यू जो हमको मिली थी, जो हमारा पुराना मोबाइल है ना उसकी एक्सचेंज वैल्यू आप देख सकते हैं 4800 रुपये यहाँ पर हमको मिली थी। और जो हमारा ये फ़ोन है मोटोरोला का G14 जो हमको ये आपको दिखाई दे रहा है, ये था 10000 रुपये का ऑफर में था, ये 10000 रुपये का। और एक्सचेंज हमने इसको कराया ना तो ये हमको 5357 का पड़ा, क्योंकि हमारे 4800 रुपये यहाँ पर क्या हो गए, लेस हो गए, तो हमको 5357 का ये फ़ोन पड़ गया। तो काफ़ी अच्छी डील हमको पड़ी, हमारा नया मोबाइल भी हमारे पास आ गया, पुराना मोबाइल हम यूज़ नहीं कर रहे थे वो वापस हो गया। अब बात आती है कि वो चेक क्या क्या करते हैं। देखिए, चेक करने कौन आता है? सबसे पहले देखिए, जो डिलीवरी बॉय होता है ना वही आपका मोबाइल चेक करने आता है। जब आप उसके पास मोबाइल ले जाएंगे तो सबसे पहले तो उसकी स्क्रीन देखेगा, मतलब फिजिकली देखेगा कि आपका मोबाइल ठीक है कि नहीं है, क्योंकि इसमें आपको कंडीशन डालनी पड़ती है अपने फ़ोन की कि आपकी कंडीशन क्या है, फेबुलस है कि कुछ इसमें टूट रखा है, आपको पहले से ही डालना पड़ता है जब आप इसके लिए एक्सचेंज के लिए अप्लाई करते हैं। तो देखिएगा कि इसकी बैक में कहीं जो बैक कवर होता है इसको टूटा तो नहीं है, कोई साइड में क्रैक तो नहीं है, स्क्रीन इसकी सही है कि नहीं है। उसके बाद इसमें एक सॉफ्टवेयर वो इंस्टॉल कर देते हैं, उसके बाद EMI नंबर वो डालते हैं और पूरी तरीके से आपके मोबाइल चेक वहाँ पर होता है। ब्लूटूथ हो गया, वाईफाई, स्पीकर, कैमरे, सब कुछ चेक होता है। इसमें से कोई कमी रहती है तो आपकी एक्सचेंज वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है, आपको उतनी एक्सचेंज वैल्यू नहीं मिलेगी जो कि दिखाई दे रही है इस समय आपकी स्क्रीन पर। अब क्या होता है ना कि एक डाउट और रहता है आपके मन में कि उसका बिल वो मांगता है कि नहीं मांगता है, जो आपका पुराना मोबाइल रहता है उसका बिल आपके पास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर उसका बिल आपके पास नहीं है, चार्जर नहीं है, उसका बॉक्स आपके पास नहीं है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आपके पास केवल मोबाइल वो मांगते हैं जो आपको एक्सचेंज कराना होता है। मोबाइल आपके पास होना चाहिए, आसानी से आपका मोबाइल एक्सचेंज हो जाता है। वो पूछते जरूर है कि इसका बिल है या बॉक्स है, तो आप मना कर दीजिए कि हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास केवल मोबाइल है, तो वो मोबाइल वहाँ से वो एक्सचेंज कर लेते हैं। इसके अलावा वो कुछ नहीं मांगते हैं और आपका मोबाइल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही वर्क कर रहा है तो आपका मोबाइल की पूरी एक्सचेंज वैल्यू दी जाती है। अगर उसमें कुछ खराबी है, मतलब कैमरा काम नहीं कर रहा, ब्लूटूथ काम नहीं कर रहा है, तो उसकी एक्सचेंज वैल्यू उतनी वो कम करके आपको बता देते हैं। आपका वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसके बाद वो एक्सचेंज करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। और देखिए, इसमें एक ऑप्शन और होता है कि वो 7 दिन बाद देखिए क्या होता है। जैसे आपका मोबाइल होगा ना, पहले तो आपको नया मोबाइल दे जाएंगे, उसके बाद अगर आप मोबाइल आपका सही है तो 7 दिन बाद वो आते हैं। इसमें एक ऑप्शन नया ऐड हुआ है कि अपना डाटा रिकवर कर सकें 7 दिन के अंदर, उसके बाद आपका मोबाइल एक्सचेंज वो ले जाते हैं। तो ये बात होती है दोस्तों, आपको इतनी चीज़ें यहाँ पर ध्यान देनी होती है। एक्सचेंज करने से पहले आपको पूरी डिटेल से मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ती है और क्या क्या चीज़ें जो देखिए डिलीवरी बॉय होता है ना वो चेक करता है आपके मोबाइल में। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों चैनल पर आपको मिलता है यूट्यूब रिलेटेड और टेक्नोलॉजी रिलेटेड नई नई वीडियो हर रोज। के लिए दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो बहुत ही जल्द इजी टैग विद पंकज में।